वेदांता ग्रुप फॉक्सकॉन परियोजना पर विवाद गुजरात में स्थानांतरित होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए तीखी आलोचना की है। घटनाओं के क्रम में गुरुवार को पुणे में विभिन्न दलों द्वारा नुकसान और आंदोलन किए गए पुणे में लॉलीपॉप विरोध में भाग लेते हुए सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के लिए सीएम शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कथित तौर पर आश्वासन दिया है कि भविष्य में महाराष्ट्र को और भी बड़ी परियोजनाएं दी जाएंगी। सुप्रिया सुले ने मांग की है बचकाना व्यवहार बंद करो, अब गंभीर हो जाओ, इस पर राजनीतिकरण करना बंद करो और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य के लोगों के हित में एक सर्वदलीय बैठक बुलाओ। यदि आवश्यक हो तो एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को पीएम के पास ले जाएं। सुनिश्चित करें कि परियोजना जो महाराष्ट्र ने गुणों के आधार पर जीती थी हमें बहाल कर दी जाए। एनसीपी के कार्यकर्ताओं को मुंबई और पुणे में एक शोर शराबे वाले प्रदर्शन में हिरासत में लिया गया था, जो शिंदे फडणवीस के खिलाफ नारे लगा रहे थे, क्योंकि राज्य ने गुजरात के लिए प्रतिष्ठित वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को खो दिया था। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आक्रामक हमलों के लिए महाविकास अघाड़ी, सहयोगी शिवसेना, एनसीपी कांग्रेस की आलोचना करते हुए मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि सच्चाई को उजागर करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच पैनल की नियुक्ति किया जाना चाहिए। शिवसेना की युवा सेना और अन्य समूहों ने महाराष्ट्र के साथ 90% सौदों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद गुजरात के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए की वेदांत फॉक्सकॉन मेगा प्रोजेक्ट के लिए सरकार को दोषी ठहराते हुए एक हस्ताक्षर अभियान और प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने चेतावनी दी कि अगर वेदांत फॉक्सकॉन पास के राज्य में चले जाते हैं तो ये न केवल महाराष्ट्र बल्कि भारत का भी नुकसान होगा, क्योंकि धोलेरा में परियोजनाएं नहीं चलती हैं, कई लोग वहां से हट जाते हैं। वेदांत फॉक्सकॉन परियोजना और यहां तक कि एक बल्क ड्रग्स पार्क में महाराष्ट्र की हार के बाद बैकफुट पर बने हुए शिंदे समूह और भाजपा के चिंतित नेताओं ने पराजय के लिए तत्कालीन एमबीए के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को दोष देने की मांग की। इस मामले में महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एकनाथ शिंदे की ओर से दिए गए बयान पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने उन्हें इससे भी बड़े प्रोजेक्ट का भरोसा दिया। शरद पवार ने कहा कि ये कहना कि फॉक्सकॉन से बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा किसी बच्चे को समझाने जैसा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमेशा से बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट आते रहे लेकिन अब उन्हें छीना जा रहा है। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे और पीएम मोदी की बातचीत को लेकर कहा, परिवार में दो छोटे बच्चे, एक को गुब्बारा दिया जाता तो दूसरा रोने लगता है, इस पर माता पिता आपको उससे बड़ा गुब्बारा देने के लिए कहते हैं, ऐसा ही हो रहा है। इसके साथ ही शरद पवार ने सलाह दी कि अब इस मामले को बंद कर देना चाहिए, अब ये देखना चाहिए कि क्या नया किया जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने इस परियोजना के लिए सही से डील न कर पाने का आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए जाने की बात को गलत बताया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और उदय सामंत तो उसी सरकार में मंत्री थे, अब वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जाहिर सी बात, अब एक बार फिर से फॉक्सकॉन परियोजना को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई। देखना दिलचस्प होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में ये विवाद कहां जाकर रुकता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।